हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साई हरी कृष्णन और आप देख रहे हैं द ट्रेंडी ब्लॉग। आज हम कल्ट ग्लैडिएटर करके एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और उसके साथ कल्ट बियॉन्ड फ़ोन को फीचर करने वाले हैं। कल्ट एक इंडियन स्मार्टफोन कंपनी है जो कि अमेजोन एक्सक्लूसिव है। कल्ट ने अभी तक दो फ़ोन लॉन्च कर चुके हैं। जो पहला फ़ोन था वो कल्ट बियॉन्ड है और अभी जो फ़ोन हमारे पास है वो है कल्ट ग्लैडिएटर। इसकी खासियत क्या है कि इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, 4000 mAh की बैटरी आती है, 13 MP कैमरा आता है और 5.5 inch की स्क्रीन है, 3 GB की रैम है, 32 GB का स्टोरेज और एंड्रॉयड 7.0 नोगट में आता है। फ़ोन को अनबॉक्स करते हुए देख सकते हैं ऊपर फ़ोन रखा हुआ है, तो उसके बाद अपने पास पैम्पलेट है, फिर चार्जर है और उसके बाद चार्जिंग केबल है। तो फर्स्ट लुक में फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा मेटल बिल्ड फ़ोन है और डिवाइस काफ़ी स्टडी लग रहा है। फ़ोन राइट साइड में रखा है वो है कल्ट बियॉन्ड और जो लेफ्ट साइड में है वो कल्ट ग्लैडिएटर फ़ोन है। तो ऐसे देख सकते हैं कि मैंने दोनों डिवाइस का बॉक्सेस रखे हुए हैं पास में। अगर आपको इन दोनों स्पेसिफिकेशन कंपेयर करने हैं तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोनों की जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट सेम है। तो जो कल्ट ग्लैडिएटर का जो लुक ओवरव्यू है वो राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स है, टॉप में चार्जिंग स्लॉट और 3.5 mm हेडफोन जैक है, बॉटम में स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन है और फ्रंट में ग्लास और कैमरा है और आगे फ्रंट फ्लैश। इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफ़ी फास्ट है और ये डिवाइस जो है एंड्रॉइड नोगट पे चलता है, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन से 5.5 inch की HD स्क्रीन है और ये पूरा स्टॉक एंड्रॉइड पे चलता है। इसमें कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, पूरा क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड है, खाली कुछ अमेजोन ऐप्स के अलावा। तो CPU सीट में आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें प्रोसेसर सब दिया हुआ है और उसके बाद आपको अपने सेंसर्स दिए हुए हैं। इस फोन में क्या क्या सेंसर है, इस फोन में ऑलमोस्ट ज़रूरी 4 सेंसर्स दिए हुए हैं जो कि नॉर्मल एवरेज बजट फोन के लिए काफ़ी हैं। ये फ़ोन में 3 GB रैम है, वो आसानी से जो गेम्स है चला सकती है, तो बेसिक से मीडियम लेवल पे गेम्स आप इजीली चला सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग की बात करें तो 3 GB रैम काफ़ी ऐप्स मेमोरी पे रखते, देख सकते हैं मैंने कितने ऐप खोल के रखे हैं और काफ़ी सारे मेमोरी में है, तो तब भी फ़ोन स्लो होता नहीं है, तो एंड्रॉइड स्टॉक एंड्रॉइड की अच्छी बात है ये। फिर हम कैमरा की तरफ देख रहे हो, कैमरा बैक साइड में 13 MP कैमरा है, कुछ सेटिंग्स हैं इसमें। मैंने कुछ फोटोज़ लिए हैं जो आपको फोटोज़ दिखाता हूँ आपको, जो मैंने फोटोज़ खींचे हैं इस फोन के साथ। जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 MP का सेल्फी कैमरा है जो डिसेंट सेल्फी खींच लेता है। अभी मैं आपको एक यूट्यूब पे अपना जरा वीडियो चला के दिखाता हूँ, तो जो फोन की व्यूइंग एंगल्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, डिफरेंट एंगल से आपको ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता है और अलग अलग एंगल से आप वीडियो आराम से इमेज देख सकते हैं फ़ोन की। ये मेरी वेबसाइट है trendyblog.net, इसमें एक आर्टिकल खोलता हूँ। जो ब्राउज़र परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो जो 3 GB रैम और जो प्रोसेसर है वो आराम से ये सब बेसिक टास्क इजीली कर सकता है। तो ये इस फोन के साथ आपको काफ़ी अच्छे अच्छे नए बिल्ट इन ऑफर्स आ रहे हैं, जैसे कि 1x3% पॉलिसी है, जियो की तरफ से 20 GB एक्स्ट्रा डाटा, एडिशनल 4 GB डेटा है। इनिशियली ये फ़ोन 6999 काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि प्राइस अच्छी है इस फोन के फीचर्स के लिए अच्छी, इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है और उसके लिए स्क्रीन रिप्लेसमेंट पॉलिसी अगर अभी दे रहे हैं आपको तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये था मेरा क्विक अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन इस कल्ट ग्लैडिएटर फ़ोन का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक दीजिए, मेरी वेबसाइट को चेकआउट कीजिए और मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे दिए गए हैं, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं नए अपडेट के लिए। तो तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो पर।